अच्छा जी, नाउ कम्स हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। होमोजीनियस स्ट्रक्चर का हमें पता है, तो हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर क्या होती है? सर वो दो स्ट्रक्चर्स जैसी कंपोजिशन एक जैसे नहीं होती, मतलब तो बिल्कुल दो या दो से। तो यूटेक्टिक अलाय में भी हमारे पास क्या होगा? होमोजीनियस स्ट्रक्चर तो नहीं होगी, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर शुड बी और मस्ट बी अ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर इन सॉलिडिफाइड स्टेट। सो अ सॉलिडिफाइड यूटेक्टिक अलाय कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल मेटल्स, और इनसॉल्युबल मेटल्स जब भी हमारे पास होंगी तो क्या होगा? Corrosion resistance will be dropped. And why it is dropped? Due to the presence of electrolytic cell on the surface of the alloy. तो electrolytic cell कैसे बन जाएगा? क्योंकि अंदर वाला ऐसा उसका कुछ और होगा, ऊपर वाला कुछ और होगा. So these are the different phase diagrams and structures. Now, what are the practical considerations? Complete solid insolubility is rare in practice. हमारे लिए काम की भी नहीं है अगर इनसॉल्युबल ही होंगी वो, और कंप्लीट इनसॉल्युबल होगी तो वो हमारे तो किसी काम की नहीं है, वो तो हर एक अलग अलग मेटल रहेगी, बिना एक एक मेटल को क्यों ना वो कर लें। समझ आई इस बात की? अगर मेटल ने एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होना तो फिर मेटल ही क्यों ना यूज की जाए फिर, ठीक है ना? प्योर मेटल को ना यूज की जाए, फिर हमें अलाय बनाने की जरूरत ही क्या रह जाती है? क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा जी, जी इसके बारे में बात करें, सारे बताएं मुझे क्या ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर, इसी तरह सर, अगर वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल हो सर तो कोई इसका फायदा नहीं, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज पर हमें देगा। प्रॉपर्टीज भी देगा तो फिर उसका कोई हमें कोई मकसद नहीं रह जाता ना। यस सर, तो हमें क्या जरूरत है फिर उस चीज की कि हम एक चीज हम वो हिसाब है कि उसको दो को आप लेके भी बैठ जाएं और वो काम भी ना करें तो उसका तो कोई हमारे पास कोई हल ही नहीं आ जाता। ठीक है जी, और इस इनकम्प्लीट सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी, इसका कोई फायदा हमें नहीं है, फजूल में हम अपना टाइम जाया करेंगे उसके ऊपर। ठीक जी, एक तो आप लोग सो जाते हो, मुझे समझ नहीं आती आप कहाँ चले जाते हो सारे। सर यहीं पे, पता नहीं किधर होते हो यार, मैं तो हैरान हूँ के। सर मैं तो किसी और को बोलने का मौका देता हूँ इसलिए। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप ये बहुत ही इसको क्या कहते हैं, खिदमत खलक करते हैं। आला ज़र्फ़। आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा। आला ज़र्फ़। हाँ, वही ना, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हैं ये हम। अच्छा जी, अब लिमिटेड सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे काम की है कि लाजिम बात है कुछ ना कुछ लिमिट तो दे ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज एक दूसरे की हमारे पास आए ना। जैसे आप इतनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हैं, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, अगर आप बैठे रहें और इनसॉल्युबल हो जाए, किसी को भी आने ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो अब आप लिमिटेड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, दूसरों को थोड़ा सा मौका देते हैं कि जी आप आए थोड़ा सा बातचीत कर लें। तो इसमें क्या होता है, बाकी मेटल्स भी आपके साथ आके मिलके हमें क्या करेंगे, फायदा देंगे, बेनिफिट देंगे। ठीक है जी, तो ठीक है, चाहे उनकी इनपुट जो है वो लो ही होगी, जितनी आपकी है उतनी वो इनपुट नहीं दे रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट उनकी होगी। ठीक है जी, so that is why a eutectic alloy instead of grains of pure metals being produced, grains of two dilute solid solution. ठीक है जी, अब समझ आ गई सारी बात की? सर जी, सर ये ग्रेन क्या चीज है? बेटा आपने ये अभी पढ़ा नहीं हुआ, ग्रेन ऐसे होता है जब हम किसी चीज को, खास तौर पे मेटल को, आप देख लीजिएगा पुराने लेक्चर्स उसमें हैं, जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं ना, तो कोई भी चीज जब सॉलिडिफाई होती है तो वो एक क्रिस्टल बनाती है।
तो क्रिस्टल जो होता है वो एक ग्रेन टाइप की चीज बनती है, उसको साइंटिफिकली हम ग्रेन कहते हैं। तो वो जो ग्रेन होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर जो एरिया होता है वो ग्रेन बाउंड्रीज होती है। समझ आ गई आपको? ये लैटिस होती है, ये किसी भी एटम की जो है ना स्ट्रक्चर। यस सर, ठीक है। चले ये आगे जी हमारी प्रैक्टिकल। नाउ अदर अलॉय सिस्टम्स क्या हैं? इन सम केसेस स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन ऑफ अलॉय अकर, सिर्फ ट्रांजिशन होती है, ठीक है जी, इवन नॉट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन बट विद इन द सॉलिड फेज। इवन सॉलिड फेज में भी, मैंने पहले आपको बताया था पहले एक लेक्चर में कि सॉलिड फेज में भी हमारी जो है ना क्रिस्टलाइजेशन चलती है। ये 27 से 28 हुए हैं, 28 से 27 हुए हैं, 27 से 26 हो रहे हैं, ये क्या बात है? ये लोग भाग रहे हैं। इसमें ये होगा कि मैं अटेंडेंस लूंगा और फिर ये जिन जिन जो जो भागे हुए होंगे ना उनको मैं। सर आपने अटेंडेंस ली है? हाँ बिल्कुल ली है सर। आपने गलती की ना बाद में दरमियान दरमियान बात नहीं है। मैंने अगर उस वक्त ली है ना तो मैं अभी दोबारा भी ले लेता हूँ ना, ऐसी कौन सी बात। मुझे कौन सा टाइम लगता है अटेंडेंस लेने में? ये दोबारा अटेंडेंस हो गई आपकी, ये हो गई और ये चली गई। सर ये जो लोग पोर्टल से ऑनलाइन नहीं होते उनकी अटेंडेंस की क्या होगी? बेटा पोर्टल में तो अभी आज तो मेरे अभी कोई भी पोर्टल से वो नहीं अंदर, क्या ख्याल है कोई है? सर कल पोर्टल में ही नहीं है, ठीक है ना? तो चूंकि हम पोर्टल पे नहीं हैं, लो जी ये आगे जी अब की अटेंडेंस और ये जो 28 थे ये इन दोनों को मैं जो निकले हैं उनको हम रिपोर्ट कर देंगे कि जी ये आए थे और चले गए थे। सर ये कुछ लोग इंटरनेट इशू भी होते हैं सर, ये मसला भी है पाकिस्तान। सॉरी क्या होते हैं? इंटरनेट इशूज होते हैं सर। अब मेरे सर कल से इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, कल रात से, अभी सुबह टाइम स्टार्ट हो गया फिर। अब लेकिन ये चीज है कि ये सिर्फ इसी वक्त होना था, अटेंडेंस के बाद ही होना था इनके इंटरनेट का इशू। बड़ा स्याना है, इंटरनेट है इनका। सर ये तो पाकिस्तान। अच्छा चलो इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को जी, फिर इसके बाद आपको एक 10 मिनट की ब्रेक देंगे, इसके बाद इंशाल्लाह फिर चलेंगे, क्या ख्याल है? क्योंकि हमने सर बस ना काफी है। नहीं बेटा हमने पांच, हमारा 1 बजे तक कम से कम हमने लेक्चर लेने और हमारा आगे भी 1 घंटा आधा घंटा हमारा जाया हो चुका है, तो हो सकता है हम 1:30-2 बजे तक चलेंगे आज। सर ये बस 12 बजे तक ले लेना बस। नहीं बेटा कैसे ले लूं, मेरा आपका टाइम, आपका जो टाइम टेबल है वो 1 बजे तक है और मैं 12 बजे तक कैसे ले लूं? मुझे ये बताओ, इसमें आप लोग फिर वही बात आ जाती है ना। चलो इसको मैं खत्म करता हूँ कि इसमें क्या होगा। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन कॉम्प्लिकेट्स फेज डायग्राम बाय एडिंग मोर लाइंस। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप उसको देखें सॉलिड फेज, अगर आप देखना चाहें फेज को या फेज डायग्राम को, तो उसमें लाइनें आपको जो नजर आ रही हैं, तो सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशन जो है ना ये फेज डायग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ठीक है? लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन होती है। और कॉम्प्लिकेशन किस सेंस में होती है ये देखें, जैसे हमारी ये सॉलिड सॉलिड ये है, ये लाइनें जो हैं ये ज्यादा होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन तो होगी लेकिन बाकी आप उसकी इंटरप्रिटेशन हर एक चीज की कर सकेंगे कि इस पे एक्स पॉइंट के ऊपर हमारे पास 30-60 है, वाई के ऊपर हमारा तकरीबन 35-65 है, जी के ऊपर हमारा 50-50 है, ई के ऊपर 45-50 है, तकरीबन इस तरह से आप इसको जितनी भी लाइनें हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी? और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह 10 मिनट की आपको ब्रेक देते हैं और फिर हम 3 कंजेक्टिव हमारे सेशन होंगे 40-40 मिनट के इसके बाद, क्योंकि अभी तक हमारा कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे जी बेटा? कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे इसके? गोल्ड 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 बेटा, गोल्ड एनालाइज ऑफ नोबल। जी हाँ, तो गोल्ड को शुरू करने ये हुज़ैफ़ा रऊस साहब अभी आने की कोशिश में हैं। तो अभी नींद से उठा है अभी। हाँ अच्छी बात है, अभी आ गया कि नहीं आया? हुज़ैफ़ा आ गया? सर ब्रेक हो गई। हाँ जी ब्रेक हो गई बेटा। अब आपने
10 मिनट के बाद ना 11:45 है, तो 11:55 के ऊपर इंशाल्लाह आप लोग आए तो मैं क्लास शुरू करूंगा। यही लिंक है, इसी को आप कर लें, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।